आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद अभिनेता मनीष जी आई उनसे बात करते हैं कि दिल्ली में उनकी पिक्चर की शूटिंग होने वाली है कि क्या कुछ रहने वाला है। तो सर किस पिक्चर की शूटिंग के लिए है? ये रोज़ करके एक फिल्म है, OTT पे आएगी, 6 एपिसोड की सीरीज है, रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है कि कैसे कॉल सेंटर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है और फिर वही पूरा इन्वेस्टिगेशन है। तो आई एम प्लेइंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। स्टोरी की बात करें तो कितने एपिसोडों में स्टोरी को समेट लिया जाए? 6 एपिसोड का है। आप अपने करेक्टर के बारे में क्या बताना चाहते हैं? कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है, कम बोलता है और क्रूअल कैरेक्टर है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो सीरियस केसेस को हैंडल करते हैं, उस टाइप का कैरेक्टर है। काफ़ी सालों से आप इंडस्ट्री में हैं तो कितना बदलाव देखते हैं OTT के आने से? OTT के आने से कंटेंट बहुत अच्छा आ गया, बहुत अलग अलग टाइप के सीरीज बनने लगी, लोग अलग अलग चीज़ें ट्राई करने लगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाने लगे। ये बड़ा एज एन एक्टर हमारे लिए ये बड़ा अच्छा एडवांटेज हो गया, जो कि हमें चैलेंजिंग रोल्स करने को मिल रहे हैं तो उसमें मज़ा आ रहा है। तो कितना ब्राइट देखते हैं OTT को आने वाले समय? OTT इज़ द फ्यूचर, OTT का तो बहुत फ्यूचर ब्राइट है। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी सीरीज बन रही हैं जिसका बजट बहुत है, सो फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। इस पिक्चर के अलावा आपके और क्या क्या प्रोजेक्ट रहने वाले हैं नेक्स्ट ईयर? अभी है, पाइपलाइन में है, अभी मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ जब तक फाइनल नहीं हो जाता। बेसिकली जब आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली की क्या बात आपको सबसे खास लगती है? दिल्ली का खाना मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रीट फूड, हर तरह का खाना। ऐसी कोई मेमोरीज हो, वेज नॉन वेज सब मुझे बहुत पसंद है। ऐसे कोई यादगार लम्हा हो जैसे आप दिल्ली में आते हो वो किस्सा आपको याद आ जाता हो? दिल्ली में बहुत सालों के बाद आया हूँ, ऑलमोस्ट 15 साल के बाद दिल्ली आया हूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे आया हुआ, अब तो दिल्ली में पहचान भी नहीं आ रहा है कुछ, बहुत चेंजेस हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।